तो गाइस फाइनली हमारे पास एनेट कंपनी का ET4 Pro आ चुका है, जो कि हमें भेजा गया है रिव्यू करने के लिए एनेट कंपनी की तरफ से। तो इसलिए भेजा गया है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ये जो प्रिंटर अभी नया नया लॉन्च किया है एनेट कंपनी की तरफ से, तो इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी और इसका जो आउटपुट है वो कैसा है, इसको बताने के लिए ये मेरे को भेजा गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका अनपैक करूँगा, इसको असेंबल करूँगा और उसके बाद इसका जो फर्स्ट प्रिंट होगा आपके सामने ही मैं इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो प्रिंटर है ये प्रोडक्ट को प्रिंट करता है, इस प्रकार से होगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को आगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें जो देखने को मिला है कुछ फिलामेंट और कुछ केबल्स और स्क्रू और कुछ पेपर वर्क देखने को मिला है, जो कि सभी नया प्रिंटर के साथ हमें देखने को मिलता है। तो आगे आप दिखाता हूँ कि ये जो हिस्सा है ये ऊपर का हिस्सा है, जो कि हमारा एक्स और वाई एक्सिस के लिए होंगे। और उसके बाद बाकी जो हमें सामान मिल रहा है, यहाँ पे एक स्क्रूडार रखा हुआ है तो ये भी हमें बहुत ही काम आएंगे और ये हमें मिलना ही है एक 3D प्रिंटर के साथ, क्योंकि उसके अलावा हमारा 3D प्रिंटिंग का काम नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा बेस है और जो बेड है जहाँ पे प्रिंटिंग होंगे, वो जो सारे सामान है यह यहाँ पर नीचे रखा हुआ है। उसके बाद इस बेड के नीचे आपको कुछ जो फिलामेंट का होल्डर है और पावर केबल है ये भी आपको मिल जाएंगे इस बॉक्स के अंदर ही। तो इन सारी चीज़ों का मैं सारे साइड में रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस प्रिंटर को किस प्रकार से असेंबल करना है और जो फर्स्ट प्रिंट होगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी प्रिंटर के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे जो हमें सामान मिला है और कुछ पेपर वर्क मिला है, इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड भी मिल जाएंगे और इस मशीन को किस प्रकार से इंस्टॉल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आपको मिल जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा चीज़ जो है लगाना है। तो आप चाहे तो इसको भी पढ़ के आप असेंबल कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे रखना होगा और सबसे बड़ी ध्यान देने की चीज़ें यहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ है देख सकते हो, मतलब बारकोड, उस बारकोड को आपको जिस साइड एनेट का लोगो लगा हुआ है उस साइड में रखना होगा। उसके बाद चारों जो स्क्रू है आपको लगा देना होगा जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थर्मोकोल लगा हुआ है सेफ्टी के लिए ये आपको बाहर निकल देना है, क्योंकि ये हमारा कोई काम का चीज़ नहीं है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए लगा हुआ था। और उसके बाद आपको जो वाई एक्सिस का जो हैंडल है इसको थोड़ा सा आपको ऊपर करना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर स्क्रूडार डालेंगे तब आपको थोड़ा सा ऊपर की तरह पर लेके जाना होगा। उसके बाद आपको घुमा लेना होगा और उसके बाद हमने जो स्क्रूडार बॉक्स से निकाला था ये देख सकते हो, इसको बोला जाता है स्क्रूडार। इसका काम होता है कि आपका जो फिलामेंट होता है उस फिलामेंट को सही तरीके से बाहर निकालने के लिए और 3D प्रिंटिंग का जो डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए स्क्रूडार इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि स्क्रूडार को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और इसको सही सलामत रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना होगा ताकि आपका जो मशीन है वो ज़्यादा दिन तक टिके रहे। तो देख सकते हो ये हमारा स्क्रूडार, तो ठीक है ये जो आप नोजल देख रहे होंगे ये नोजल नीचे की तरफ होंगे और इस तरीके से लगा के आपको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर की तरफ धकेल देना है और इस बहुत ही आसानी से ये अंदर चला जाएगा। अब हमें इस बेल्ट को स्क्रूडार के साथ कनेक्शन करना होगा ताकि जब प्रिंट होगा उस समय ये हमारा स्क्रूडार सही सलामत इधर से उधर जाते रहेगा। तो देखिए ये हमारा जो बेल्ट है, इस बेल्ट को किस प्रकार से प्रिंटर के साथ लगाना है देखिए, तो दो हुईल जो है उस हुईल के नीचे से आपको इसको अंदर की तरफ लेके जाना होगा।
उसके बाद उस साइड एक मोटर लगा हुआ है जिसको जो कि इस स्कूटर को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। और नीचे की साइड आपको दो हुक मिलेगा, बस आपको उस हुक में दोनों साइड आपको अटक देना होगा। उसके बाद ये जो हमारा बेल्ट है सही सलामत लग जाएगा और जो हमारा काम करने लगेगा। अगर जब इसको हुक के अंदर लगाओगे उस टाइम आपको लगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस साइड जो मोटर लगा हुआ है उस मोटर को थोड़ा सा डील करना होगा, यानी कि लूज़ करना होगा अपने एलन की के ज़रिए। उसके बाद जो लॉक है बहुत ही आसानी से लग जाएगा, और जब हमारा जो लॉक है वो लग जाएगा तब आप इस मोटर को फिर से आप टाइट करके अपना जो बेल्ट है उसको सही सलामत फिक्स कर सकते हो। अब आपको सभी वायर को कनेक्शन करना होगा, और वायर कनेक्शन करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे जैक लगा हुआ है जहाँ पे आपको कनेक्शन करना है वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे देख सकते हो जो जैक है उस जैक के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि फ़ैन के लिए अलग से जैक है और एक्सक्लूडर के लिए अलग से जैक है। तो सभी के जैक के जो नीचे हिस्से में लिखा हुआ रहता है, तो जब आप इसको कनेक्शन करोगे सभी चीज़ें अच्छे से देखने के बाद ही लगाइएगा, नहीं तो आपका जो प्रिंटर है सही सलामत काम नहीं करेगा। और इसके साथ जो आपको मिला था यूज़र गाइड, उस यूज़र गाइड के अंदर भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को कनेक्शन करना है। अब आपको इस पाइप को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम लगाना होगा, क्योंकि इस पाइप के अंदर इस पाइप के अंदर से ही हमारा जो फिलामेंट है उस स्क्रूडर के अंदर जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से इस पाइप को लगाना होगा, नहीं तो जब प्रिंटिंग होंगे उस समय आपका जो फिलामेंट है स्क्रूडर के अंदर सही से नहीं जा पाएगा और प्रिंटिंग क्वालिटी है जो वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपको सही से इसको लगाना होगा। उसके बाद नीचे की ये जो हिस्सा है यानी कि ये जो वायर है, इस वायर को आपको यहाँ पे फिक्स कर देना होगा ये हमारा टाई जिप के ज़रिए। अगर आपके पास टाई जिप नहीं है तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, नहीं तो इसे प्रिंटर के साथ भी आपको ये जो टाई लॉक है ये भी मिल जाएंगे। तो इसे टाई लॉक के ज़रिए आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए ताकि जब प्रिंटिंग होंगे उस समय आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार के। अब आपको फिलामेंट का जो होल्डर है इसको लगाना होगा, और फिलामेंट होल्डर लगाने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल सा काम है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चीज़ें दी हुई है दो तीन, और आपको पैकेट के अंदर दो स्क्रू मिलेंगे और नट मिलेंगे, उस नट और स्क्रू के ज़रिए बहुत ही आसानी से आपने देख सकते हो दो जो नीचे का जो हिस्सा है यानी कि बीट जैसे आपको मिलेंगे, उन दोनों बीट को आपको सबसे पहले तो बाहर निकालना है और इस प्रकार से अंदर डाल देना है, और डालने के बाद किस प्रकार से इसको टाइट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो हमारा जो प्रिंटर है ये सक्सेसफुली असेंबल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो बेस है इस बेस को रैपिंग किया हुआ है सेफ्टी के लिए, तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल देना है यानी कि फेंक देना है निकाल के, नहीं तो हमारा ये जो बेस है नहीं चलेगा। और इस बेस को जैम करने के लिए नीचे एक प्लास्टिक दी हुई है, उस प्लास्टिक को आपको हटाना होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा ग्रीन कलर का प्लास्टिक है उसको हटाना होगा। और उसके बाद और एक चीज़ रह गया है जो कि ये जो हमारा एक FFC केबल है, इस केबल को भी आपको लगाना होगा, नहीं तो जो हमारा मदरबोर्ड के साथ एक स्क्रूड्राइवर का जो कनेक्शन है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले नीचे की साइड से आपको निकालना होगा, साइड में एक होल दिया हुआ है तो उस होल के ज़रिए आपको इस केबल को बाहर निकालना है, और इसको कहाँ पर लगाना है और किस प्रकार से लगाना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा काम है।
पहले से ही एक जैक यहाँ पे दी हुई है, उस जैक के अंदर आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले अनलॉक आपको कर देना है, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये अंदर की तरफ धकेल देना है, और ये जो हमारा केबल का कनेक्शन है ये सक्सेसफुली हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो ये प्रिंटर है प्रिंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। उससे पहले नीचे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का एक चीज़ लगा हुआ है, उस ग्रीन चीज़ को भी आपको बाहर निकल के फेंकना होगा, नहीं तो आपका जो बेस है वो इधर उधर नहीं जाएगा, यानी कि ये रिमूव नहीं होगा, स्क्रॉल नहीं होगा, इसलिए आपको उसको भी हटाना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको बाहर कैसे निकालना है। और ये जो हमारा केबल है ये देख सकते हो सक्सेसफुली हमने इसको लगा दिया हूँ, और ये जो केबल है इसी प्रकार से रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा केबल है ये जब हमारा स्क्रूडर ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे तब हमें कम या ज़्यादा केबल की ज़रूरत होगी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा करके दी हुई है। उसके बाद हमारा ये जो और एक यहाँ पे कनेक्शन हो जो रह गया था, तो इसको भी आपको लगाना होगा, वो यहाँ पर ही खोल कर रखा हुआ है, और किसी किसी प्रिंटर के साथ ये पहले से ही लगा हुआ आता है, लेकिन इस प्रिंटर के साथ नहीं हुआ आया था, तो इसलिए आपको लगाना होगा। तो गाइस हमारा जो प्रिंटर है ये प्रिंटिंग के लिए कंप्लीट हो चुका है, असेंबल हो चुका है। तो आप बढ़िया थे इसे प्रिंटर को ऑन करना और हमारा जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट करना। तो सबसे पहले पावर केबल को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और पावर केबल को लगाने के बाद आपको देख लेना होगा कि आपका प्रिंटर है कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद मैं इसको पावर केबल को साथ कनेक्शन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो स्विच है उसे स्विच को ऑन कर देता हूँ। देख सकते हो हमारा जो प्रिंटर है वो ऑन हो चुका है। तो हमारा ये जो प्रिंटर है ये प्रिंटिंग करने के लिए रेडी हो चुका है, और चलिए मैं आपको कुछ भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको फिलामेंट को लगाना होगा। ये जो फिलामेंट आप देख रहे होंगे ये PLF फिलामेंट है, और फिलामेंट किस कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर आपको डाल देना है इस फिलामेंट को सही सलामत, मतलब पूरा आपको डाल देना है, एक स्क्रूडर तक जाना चाहिए ये हमारा फिलामेंट। तो इस प्रकार से आपको डालना है, जब आपका फिलामेंट जाना बंद हो जाएगा तब आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो डिज़ाइन किया हुआ कोई भी मॉडल है आपको डालना होगा। तो इस मेमोरी कार्ड के अंदर मैंने पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ कुछ डिज़ाइन मैं इसके अंदर डाल के रखा हूँ। तो आपको ये जो मेमोरी कार्ड है आपको डाल देना है यहाँ पे, और उसके बाद पावर ऑन करके बिट का लेवल फिक्स करना होता है। तो इस प्रिंटर के अंदर आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको खुद के हाथों से बिट लेवल फिक्स नहीं करना होता है। इसके अंदर एक फीचर्स आपको मिल जाती है जो कि ऑटो बिट लेवलिंग, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऑटो बिट लेवल यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, और उसके बाद आपने आप ही ये बेड लेवल का जो पोजीशन है वो मेजर करके सेट कर देगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 5 मिनट लगेगा। तो इस स्क्रूडर के अंदर एक एक्स्ट्रा जो सेंसर है वो लगा हुआ है, वो क्या करेगा कि हमारा जो बेड है किस पोजीशन के अंदर है तो ये खुद से ही मेजर करके सेट कर लेगा, और उसके बाद आप जब इसके अंदर प्रिंट करोगे उस समय आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बेड लेवल कंप्लीट करने के बाद जो मेरा फर्स्ट प्रिंट है वो करके दिखाता हूँ। बेड का लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको टेम्परेचर सेट करना होता है, और टेम्परेचर कितना सेट करना है ये आपके फिलामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जिस प्रकार के फिलामेंट परचेस कर रहे हो उस फिलामेंट के ऊपर लिखा रहता है कि ये जो फिलामेंट है ये कितने टेम्परेचर पे काम करेगा, इसका बेड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और इसका जो नोजल का टेम्परेचर है कितना होना चाहिए। जो मैंने इस प्रिंटर के अंदर फिलामेंट लगाया हूँ इसके लिए हमें चाहिए बेड टेम्परेचर 60 और स्क्रूडर टेम्परेचर 200। तो चलिए मैं सेट कर दिया हूँ, और अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ मेरा दोस्त का नाम जो कि जीवन है। तो वो मेरा दोस्त का नाम यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रिंट पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको देख सकते हो प्रिंट कर चुका हूँ, और जब तक ये जो हमारा स्क्रूडर का जो टेम्परेचर 200 डिग्री पे नहीं जाएगा और बेड का टेम्परेचर 60 डिग्री पे नहीं जाएगा तब तक हमारा प्रिंट स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने पहले ही इसको टेम्परेचर को मतलब फाइनल कर चुका था, इसलिए मैं प्रिंट देख सकते हो अभी अभी ये स्टार्ट होने लग गया है। तो चलिए देखता हूँ कि इसका जो फर्स्ट प्रिंट है इसका क्वालिटी कैसा आता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो गाइस हमारा जो फर्स्ट प्रिंट है इस प्रिंटर के जरिए वो कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, मतलब नीचे की साइड जो है थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो मैं इसको बाहर निकल लेता हूँ और देखिए ये जो हमारा प्रिंटिंग क्वालिटी कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने पिछले ब्लॉग में मैं आपको बताया था कि इस चीज़ को बनाने के लिए लगभग 30 मिनट लगा है, यानी कि 30 मिनट लगा है इसको बनाने के लिए। तो अगर आपको 3D प्रिंटिंग और 3D प्रिंटर के बारे में और भी जानकारी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पे 3D प्रिंटिंग के बारे में बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाला है, और जो कि मैं रिपेयरिंग का वीडियो डालता हूँ वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन अभी जो मैं नया नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ये 3D प्रिंटिंग के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इसे 3D प्रिंटर को परचेस करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आप इस प्रिंटर को परचेस कर सकते हो। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे कुछ मेरे लिंक पे जाओगे तो। और अगर आपको कुछ भी सवाल है इस प्रिंटर के बारे में तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।